व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड बार। सो आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको जो है बहुत ही यूजफुल सा फीचर बताने वाला हूँ गैलेक्सी का। सो जिस तरह गैलेक्सी के फ़ोन में होता है, इसी तरह जो आपके किसी भी अपने ओप्पो फ़ोन में ले सकते हैं। सो बहुत ही यूजफुल सा फीचर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। सो इस एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं इसको काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ। इसमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल से फीचर डाले गए, जैसा कि मैं इसका प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। सो देख सकते हैं, जैसा कि यह सैमसंग के फ़ोन में आता है नोटिफिकेशन इस तरह का। सो इसी तरह का नोटिफिकेशन अपने किसी भी ओप्पो फ़ोन में ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए जस्ट आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है गैलेक्सी नोटिफिकेशन। सो इसका मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं टैप करके इसे ओपन कर लेता हूँ। और इस एप्लीकेशन का जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल, आप जो अपने किसी भी नोटिफिकेशन को देखने में कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है मेरा एड्स वगैरह आ जाते हैं, यहाँ पर जो है इसको अपने क्रॉस कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रिसीविंग नोटिफिकेशन पर आपको इसका प्रीव्यू कैसे होगा। ये अपने तमाम परमिशन को ऑन कर लेना अपने फ़ोन के अंदर। तो मैं पहले से यहाँ पर ऑन कर रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पर की सर्विसेज वगैरह, यहाँ पर आप जो इसकी सर्विसेज वगैरह को यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर इसका जो है डिस्प्ले, जो अगर आपका स्क्रीन ऑफ भी हो, लॉक हो आपका फ़ोन, तो तभी ये डिस्प्ले करे। अगर आप इसे ऑफ़ करते हैं तो उस पर जो है वो डिस्प्ले नहीं करेगा। सो यहाँ पर कैंसल डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन, यानी कि आपके फ़ोन के डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन आते हैं तो ये उसको ब्लॉक भी कर सकता है, इसकी परमिशन को ऑफ भी करवा सकता है। सो उसके साथ यहाँ पर आप नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर टाइप करते हो, यहाँ पर आप अगर आपका फ़ोन लॉक होता है तो तभी ये आपके फ़ोन में ये शो नहीं कर गया नोटिफिकेशन वगैरह। सो उसके साथ यहाँ पर जो आपकी, अगर आप यहाँ पर स्वाइप करके इसको जो डिसमिसल करना चाहते हो तो कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऑफ करके जो है डिस्प्ले होना देते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल से फीचर है इसमें। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंडेड कॉर्नर है। सो अपने जो है नोटिफिकेशन को राउंडेड कॉर्नर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये राउंड हो चुका है। अगर मैं इसको जो है दोबारा प्रेस करके ऑफ़ कर लेता हूँ, सो इसका मैं यहाँ पर आपको दोबारा प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, तो ये राउंडेड नहीं है। अगर आप इसे राउंडेड करना चाहते हैं तो राउंडेड भी करके इसका मैं यहाँ पर आपको प्रीव्यू दोबारा दिखा देता हूँ। सो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। सो तमाम चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर इसकी टाइम सेटिंग भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक टाइम सेटिंग की है 3 सेकंड। सो यहाँ पर इसका साइज़ अगर आप यहाँ पर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, इसके 3 जो है साइड बार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सेंटर करना चाहते हैं सेंटर पर भी कर सकते हैं, बट मैं आपको टॉप पर ही रिकमेंड करूँगा। सो यहाँ पर हम इसका जो दोबारा प्रीव्यू वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसके सेंटर पर आ चुका है। अगर आप इसको टॉप पर रखते हैं तो ये बिल्कुल अच्छा लगेगा। सो आपने इसको टॉप पर कर लेना है। सो ये आपका प्रीव्यू बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सा होगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर देखने को मिलते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। इसका मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ पर जाकर इसे ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के टच में अल्फ्यूड में अगली दफ़ा। तब तक के लिए बाय।